जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। मीनाक्षी, आज कौन सा दिन है जल्दी बताओ। जो भी है बहुत अच्छा दिन है। तुम हमेशा कहती रहती थी ना कि तुम्हें माँ बापूजी से मिलने जाना है, तो प्लेन में जाना कलकत्ता और वहां से एसी टैक्सी में अपने गांव। अरे पूछो तो सही कि बात क्या है। मेरा एक पुराना नाटक है, उसे रिवाइव कर रहे हैं। 3 शोज है, वो भी कलकत्ता में, और पर शो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 60,000 रुपए। चला ला, एक जादू की जप्पी दे दे। अरे प्लीज यार, तुम्हारे हजारों व्रत होंगे लेकिन एक एक प्लीज मना मत करना। आजा। अरे आओ नहीं यार। क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं कुछ नहीं, आप लगिए ना गले, मैं रोक कहां रही हूं। नहीं, तुम्हारे नहीं रोकने में भी मेरी मीनाक्षी नहीं है, क्योंकि पहले जब तू मुझे रोकती थी तो उसमें भी मुझे प्यार नजर आता था। क्या बात? क्या बोलूं? मुझे आज ही पता चला कि मुझे बोलने का कोई हक ही नहीं है। आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो कहेंगे वो ही करूंगी। मैं ही बेवकूफ थी, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं। कितना अच्छा घर मिला है, कितना अच्छा पति मिला है, वरना गरीब घर की बेटी के नसीब में ऐसा सब कुछ होता है नहीं होता। मीनाक्षी क्या हुआ, क्यों ऐसा कह रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, खुद ही एहसास हो गया इस बात का। मीनाक्षी सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। हाँ बताओ ना मीनाक्षी। सुबोध भाई, रहने दीजिए, ये हम दोनों के बीच की बात है। लेकिन भाभी ये... प्लीज सुबोध भाई, आप थोड़ी देर के लिए हम देवरानी जेठानी को अकेला छोड़ देंगे। सुबोध भाई मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको आपकी मीनाक्षी जैसे पहले थी ना वैसे ही मिलेगी। मीनाक्षी मैं तेरे लिए मसाला दूध लाई, पी ले। नहीं भाभी, मैं इसके लायक नहीं हूं। मीनाक्षी मारूंगी। हाँ बोला ना, गलती हो गई, सॉरी। आप सॉरी क्यों कह रही हैं? आपने जो कहा वो सच कहा। मीनाक्षी अब मैं मार दूंगी जोर से। मीनाक्षी बोला ना, गलती हो गई, मुझे नहीं कहना चाहिए था ये सब। फिर इतने सालों से जो मन में भरा था वो सब मैंने तुझ पर निकाल दिया। मैं भी किससे कहने जाऊं, बोल। बड़ी बहू हूं ना, बड़ा बन के रहना पड़ता है। मीनाक्षी तुझे नहीं लगता मीनाक्षी जब हम सिर्फ बेटियां थीं तब ज्यादा खुश थी? हक जता सकती थीं, जिद कर सकती थी, अपनी गलती होने पर भी रूठ सकती थी। मैं 4 भाइयों की अकेली बहन थी। इस घर में 22 साल गिन गिन कर गुजारे हैं मैंने, और वहां 18 साल कहां गुजर गए पता ही नहीं चला। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। राजकुमार और राजकुमारी की कहानी मुझे अपनी लगती थी,
उड़ते घोड़े पे नहीं ना सही, लेकिन अपनी नई गाड़ी में आएगा मेरा राजकुमार। जब अरविंद मुझे देखने आए तब मैंने उन्हें रिक्शा के पैसे चुकाते देखा, और फिर जब बात पक्की हो गई तो मैंने अपने सपने में से चार पहियों की गाड़ी में से एक पहिया निकाल दिया, लेकिन उसकी जगह तो खाली ही रह गई ना। आज मैं तुझे दिल से कहती हूँ मीनाक्षी, तू सचमुच बहुत खुशकिस्मत है, तुझे बहुत प्यार करने वाला बहुत अच्छा पति मिला है। भाभी, मोटा भाई भी तो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पति अच्छे इंसान नहीं है, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन मेरी कल्पना कुछ और ही थी। अरे लीला, हाँ लीला, कल हम दोनों जब बहस कर रहे थे तब तुमने ऐसा कहा था कि तुम घर छोड़ के चली जाओगी? नहीं, उससे पहले कहा था। तभी मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत लिखा है। देखा, ये अपनी जिंदगी इस किताब के जरिए जीते हैं, इनकी आदत है यादें जमा करने की, और मेरी आदत है सपने जमा करने की। हम दोनों की किताबें ही अलग अलग हैं। तरह सोच मीनाक्षी, कभी हम दोनों अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठे तो क्या होगा? हिसाब कैसे बराबर होगा? क्योंकि यादें मतलब वो जो हो चुका है, और सपने मतलब वो जो कभी नहीं हुए। हम दोनों खुश हो लेते हैं अपने अपने तरीके से, मगर वो खुशी क्या जो खुद ही बांटनी पड़ी। इसी सब का गुस्सा था जो तुझ पर उतर गया मीनाक्षी। सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन आप इतना दुखी मत होइए भाभी। हमारी जिंदगी में जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, और अब तो हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि अनीश और डिंपल की जिंदगी की किताब एक हो और उनका हिसाब भी मिले, है ना? अरे लीला, जरा पानी लाना। बच्चों, चैताली मिताली कहाँ हो सब? ये देखो अदा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अब क्या लाए हैं? गेस क्या लाया हूँ। हिंट दीजिए ना। अच्छा हिंट दूँ? सुनो, ग्रीन ग्रीन ग्रेट, जैसे सेठ का मोटा पेट, मैं हूँ रेड लाल लाल, अंदर से पानी से माला माल, ऊपर से कड़क अंदर से नरम, मैं सबका पेट भी भरूं और प्यास भी बुझाऊं, बोलो मैं कौन हूं? कलिंगन। करेक्ट, होशियार हो गया तू मानव। अच्छा बाकी के बच्चे कहाँ हैं? सब ट्यूशन में गए हैं। तो तू नहीं गया ट्यूशन पे? मैं तो होशियार हो गया ना, मुझे ट्यूशन की क्या जरूरत। अच्छा बदमाश, चल चल ले, और सुन सब बांट के खाना, सबको देना। जिद्दी ही जिद्दी, देखे ना मोटा भाई कितना बिगड़ गया है, पुराने कपड़े पहना है तो जिद करके ट्यूशन पे नहीं गया। जिद कौन करता है, तुम या बच्चे? क्यों नहीं पहनाती बेचारे को अच्छे कपड़े? नजर। हाँ बोलिए, आपने क्यों बुलाया? अरे पहले पानी तो पीने दो लीला, गला सूख रहा है मेरा। एक तो 11वें माले पे कॉन्फ्रेंस थी, लिफ्ट बंद, पर चढ़ते चढ़ते पैर दुख गए मेरे और गला भी सूख गया। तो पानी पी लेना था ना, कॉन्फ्रेंस में नहीं देते पानी। पानी था मिनरल वाटर, इतना महंगा पानी मैं कैसे पीता। चलिए कॉन्फ्रेंस में नहीं पिया, बाहर निकल के वाटर फाउंटेन से पी लेते। हाँ हाँ मैं पी लेता लीला, लेकिन मुझे लेट हो रहा था, मुझे 4:23 की ट्रेन पकड़नी थी। डायरी में लिख लीजिएगा,
प्यासा था मगर फिर भी भागते दौड़ते मैंने 4:23 की ट्रेन पकड़ ली। आंकड़ों के पीछे भागते भागते जिंदगी गुजर जाएगी आपकी। सुना मीनाक्षी, प्यासे थे मगर भाग दौड़ के उन्होंने 4:23 की ट्रेन पकड़ ली। बच्चों के लिए फ्रूट्स भी खरीद लिए। एक घंटा ट्रेन में बैठे रहे प्यासे, लेकिन थैली में से बॉटल निकाल के पानी नहीं पिया। अब बता, मैं सच कह रही थी या नहीं? अरे भाई, मैंने सोचा कि ये पानी मैं तुम्हारे लिए ले जाऊंगा लीला, इसलिए मैंने नहीं पिया। वहां जितने लोग थे वो कह रहे थे कि इस पानी में काफी मिनरल्स होते हैं जिससे हमारी स्किन पे ग्लो आता है, हमारी स्किन निखरती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। तुम तो जानती हो मुझे तो मटके के पानी से भी चल जाता है ना। ये लो, रखो, तुम्हारे लिए ही लाया हूं मैं। सुनो लीला, मैं अंदर कमरे में आराम कर रहा हूं, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। हम औरतें सपने बहुत देखती हैं, लेकिन हमारे सामने जो सच्चाई है उसकी सुंदरता को कभी कभी नजरअंदाज कर देती है हम। सच कह रही है तू। मैंने अपने दिल की भड़ास तो निकाल ली, लेकिन इनमें कुछ तो है जो हमारी जिंदगी का हिसाब किताब बराबर कर देता है। 22 साल इस घर में गिन गिन कर काटे जरूर हैं, लेकिन इन 22 सालों में इन्होंने मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दिया जिससे मुझे इन्हें छोड़ने का भी ख्याल आए। अरसिक जरूर हैं, मगर हैं बहुत अच्छे। मैं पानी गर्म कर देती हूँ, पैर दुख रहे हैं उनके, सेक दो। ये सिर्फ हिसाब की किताब नहीं है, पापा अपनी पूरी जिंदगी लिखते हैं इसमें। जो मन की बात बोल नहीं पाते वो लिख देते हैं। फिर इस तरह खुला क्यों छोड़ते हैं यार, कि कोई भी पढ़ सके? नहीं अनीश, घर में कोई भी ये किताब नहीं पढ़ता। पता है क्यों? क्योंकि पापा को छुपाने की कोशिश ही नहीं करते। वैसे ये बात तो सच है कि अगर आप कुछ छुपाएंगे नहीं तो लोग जानने की कोशिश क्यों करेंगे। हम भी एक काम करते हैं, हम लोग भी एक बुक खरीदेंगे जिसके अंदर हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ, उसके अंदर अगर तुम्हें शर्म आ रही हो और तुम्हें मुझे आई लव यू बोलना, प्यार से उसके अंदर आई लव यू लिख सकती है। और अगर मुझे गुस्सा आए तो? तो अपनी मम्मी से कर सकती। अनीश, एक्चुअली यू नो व्हाट अनीश, सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं ये होगा नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रही हो? हमारी दो फैमिलीज के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही है। यार सीधा वॉर ही डिक्लेयर कर दी तुमने। हाँ माना कि हमारी फैमिलीज की सोच में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमारे कल्चर्स अलग अलग हैं यार। इनफैक्ट मैं तो मॉम डैड से कह दूँ कि मैं तो डिम्पल से ही शादी करूंगा। अगर उन्हें मानना है तो माने, नहीं तो जस्ट गो एंड टेक अ लॉन्ग वॉक। यू नो व्हाट अनीश, तुमसे ज्यादा मैं प्रिविलेज्ड हूँ। तुम्हारे घर में सिर्फ एक है और हमारे घर में दो दो, एक तो बा और दूसरे मेरे पापा। अपने बेचारे पापा को बीच में क्यों ला, वो तो भगवान के आदमी, भगवान क्या। आहा, ससुर जी पे इतना प्यार आ रहा है, घर जमाई बनने का इरादा है क्या? आई डोंट माइंड अनीश। Let's make one thing clear. हम लोग वो बुक जरूर लिखेंगे। अनीश, please don't do this. अरे क्या हो गया? Don't. अनीश. Baby, घूम जाओ. It's okay. हाँ baby भाई. Baby, seriously it's okay. कम से कम दरवाजा तो बंद करो। अरे यार दरवाजा बंद रखने जैसा काम कुछ किया ही नहीं। अरे कहाँ था ना? अरे क्या है बेबी, तो है यार। Are you crazy? क्या crazy? ठीक है। आओ। अनीश, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप समझ नहीं रही। आपने तो कह दिया कि 8 दिन पहले कर्ज हो सका है, लेकिन जरा समझिए बहन जी, उसी दिन हमारा
एक और फंक्शन भी है जनेऊ का। जानती, लेकिन भाई साहब जनेऊ और सगाई का कोई कनेक्शन तो नहीं है ना? दोनों अलग अलग भी हो सकती है, isn't that right? Yes, absolutely right. दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं. May I just help you? No, no. Why didn't you go inside? नहीं, I insist. लीला, वो दिन बहुत शुभ है, इसलिए उसी दिन दोनों फंक्शन हमने रखे हैं. तुम क्या हाँ 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 कर रही हो? और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आप लोग सगाई प्रीपोन क्यों करना चाहते हैं? जी मैं नहीं, ये हाँ, मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है. बहन जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या है प्रॉब्लम? Yes, of course. भाई साहब, मेरे हस्बैंड की सेहत ठीक नहीं है. अच्छा, क्या हुआ आपको? जी मुझे कुछ नहीं हुआ. नहीं नहीं, इनको नहीं. अच्छा अच्छा, मतलब नंबर टू. वो ये क्या कह रहे हैं आप? मॉम, इनका वो मतलब नहीं. इनका मतलब मैं समझ गई. इट्स ऑल राइट. और भाई साहब, अगर आपको ऐसा कहना कन्वीनियंट लगता है तो इट्स ओके विथ मी. और ये जो नंबर टू, एनरिक को लैरिंजाइटिस हुआ है, और इसलिए मैं अमेरिका जल्दी वापस जाना चाह रही थी, और इसीलिए मैं सगाई प्रीपोन करना चाह रही थी. लैरिंजाइटिस? लैरिंजाइटिस मतलब? अरे कुछ नहीं भाई साहब, गला खराब है. रेवती, लैरिंजाइटिस कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है. मेरा प्रॉब्लम कितना सीरियस है वो मैं डिसाइड करूंगी. और वैसे भी सगाई इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, शादी इंपॉर्टेंट है ना बहन जी? रेवती, कल को शादी के दिन भी तुम कहोगी कि एनरिक को छींक आ गई तो क्या शादी प्रीपोन कर दोगी? आशु प्लीज. देखिए भाई साहब, मैंने जो सोचा है मैं वैसे ही करूं. एक मिनट बहन जी, आप अकेले फैसला नहीं कर सकती. और मुझे ये लैरिंजाइटिस ये जो भी है ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं लग रही सगाई प्रीपोन करने की. अंकल प्लीज. मैं अनिश, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपकी मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं. उस दिन उनको मेरी बा के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए. दिस इज रिडिकुलस. ठीक है, अगर आपको ऐसे ही सोचना है तो आप सोचिए, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अनिश की सगाई जैसा मैं डिसाइड करूंगी वैसे. नो कॉम्प्रोमाइज. यस यस, समझा करिए आप. अरे हम एक बार और कर लेंगे सगाई अपने तरीके से, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है लीला, फर्क पड़ता है. और ये भाई साहब, मतलब नंबर वन, ये कह रहे हैं कि ये तो शादी भी प्रीपोन करवाएंगे, तो क्या शादी भी दो बार करेंगे? इनका कहने का ये मतलब नहीं है. पागल जैसी बात मत करो लीला. देखिए आप नाराज हो रहे हैं. तो क्या करूं मैं, बताइए भाई साहब क्या करूं मैं? आप ही बताइए, ये क्या सही है? आपकी पत्नी, क्या कहूं, आपकी एक्स वाइफ अनिश की मम्मी, ये जो कर रही है वो क्या सही है? अगर शादी के दिन ऐसा कुछ करेंगे तो हम कहां जाएंगे? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं आपके साथ हूं. तो उसे मेरे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मॉम, What are you doing? अनिश, उन्हें जो कहना था उन्हें कह दिया. अब हमारा जवाब हम सोच के देंगे. चलो लीला. अंकल प्लीज, नाराज मत होइए प्लीज. लीला चलो, मैंने कहा ना, और इस वक्त मेरे साथ कोई बहस मत करना. चलो. Mom, they are leaving. Please. भाई साहब, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे? हाँ, क्योंकि अगर मेरी बा को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो मैं सह नहीं पाऊंगा. चलो लीला.